लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लंदन मेरा शहर नहीं है, न कभी था न कभी होगा, फिर भी पिछले 20 सालों से मैं यहीं हूं। पहले एक लॉ स्टूडेंट और अब एक वकील, अ सक्सेसफुल लॉयर। मैंने लंदन के बारे में बहुत कुछ सुना था, किसी भी चीज को खुद अपनी आंखों से ना देखने का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि दिल और दिमाग उसे सच मान लेता है। लंदन के पास एक हार्बर में बोट ब्लास्ट हुआ, उसमें 30 लोग मारे गए। सबकी तरह मुझे भी लगा कि टेररिज्म यहां भी आ गया है। कुछ दिन पहले रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड का हेविली गार्डेड ट्रक 20 बिलियन पाउंड लेकर निकला, लेकिन जब लंदन पहुंचा तो पैसा गायब। और पुलिस के पास ट्रक के अंदर लगे हुए कैमरे से ली हुई एक फोटो, एक फ्रेम, एक क्लू, Who the hell was this guy? The government is tied to billion robbery. Massive bomb blasts and shattered Christmas Eve celebrations in London. Nobody has claimed responsibility. What's the mystery behind? Is this a police terrorist attack on English soil? इसके आगे की न्यूज बहुत सिंपल थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस और पुलिस को शक हुआ कि 20 बिलियन पाउंड की चोरी और बोट ब्लास्ट में जरूर कुछ कनेक्शन है। फिर पुलिस को एक चली हुई डेड बॉडी मिली, क्योंकि पुलिस को हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। उस चली हुई बॉडी के पास पुलिस को एक पर्स मिला, पर्स रॉकर का था। पुलिस का अंदाजा था रॉकर ने ट्रक लूटा, बोट को ब्लास्ट किया और उसके बाद मारा गया। लेकिन प्रॉब्लम था वो पर्स, जिसमें रॉकर के फोटो के साथ उसके दो दोस्त थे, सिम और पीपी। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, सिंपल इंटरोगेशन। वैसे भी गुरु को आजकल हर एशियन टेररिस्ट ही लगता है। चुप रहना हर मुलजिम का हक है, पर चुप रहना किसी भी देश की पुलिस को अच्छा नहीं लगता। What money? Where the hell is the money? Money? Which money? Which the money from the truck. Which truck are you talking about? I don't know. Were you on that boat? What boat? Which boat? Boat with money and ammunition. No. Where were you last night? I was at my warehouse. Who trained you? My Guruji trained me. Do you have any connections? I have no connections. Militants? I have no connections. Who gave orders to kill Rogar? What orders? Al-Qaeda. What? Al-Qaeda? Yeah, Al-Qaeda. I don't know Al-Qaeda. Rogar to mar chuka tha, par inke do dost lapata the. Chip aur Deva.
2-second glitch in security cameras is the only clue that the police... Bomb attack and 20 million robbery. They relate to 20 million robbery. They relate to... Police are clueless. और इस सब के पीछे थी एक स्ट्रगलिंग न्यूज रिपोर्टर जिसके साथ मैं सिर्फ एक बारिश की रात स्विमिंग करने गया था और इत्तेफाकन उसका नाम भी था मॉनसून। शिट। हाय। रेंट, दिस टाइम यू पे। आई विल, जस्ट गिव मी अ फ्यू डेज। You got to trust me. Trust this man. Trust this. Look at this. I need this rent today by 5 o'clock. You understand? You are looking good though. But I need this rent today. Got you. Good morning, Monsoon. इस स्टोरी के लिए तो तुझे अवार्ड मिलना चाहिए. इंडियन कपल इन बैंक रॉबरी? ये क्या बकवास है? रॉकर और ये दोनों बोट ब्लास्ट से कैसे कनेक्टेड हैं? हाँ? Do you have facts? Answer me. और तू सुन रही है कि नहीं? और सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? What are you talking? I am talking about my torn ass. Do you know? Police और intelligence के लोग सुबह से तेरी नहीं मेरी उधेड़ रहे हैं. Understand? What? Oh! Sir, please try and understand. मेरी story 100% correct है. मैं उन दोनों को मिलने पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ. There's a problem. I'm aware. Yes, I know. Sir, I promise you, sir. पूरे फैक्ट्स के साथ यू विल गेट अ रियल धमाकेदार न्यूज़। तेरा रेजिग्नेशन लेटर तो मैं खुद टाइप करने वाला हूँ। दैट इज धमाकेदार। यू अंडरस्टैंड? और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना बेबी, आई प्रॉमिस यू आज शाम को आई विल पुट यू इन द क्लॉक इन बिग बैन। व्हाट? नेकेड स्वीटहार्ट, कल के फ्रंट पेज पर दैट विल बी द मोस्ट धमाकेदार न्यूज़। वेरी फनी। Give me some time, sir. मैं कर लूंगी. I promise. Oh. Hi, I'm Monsoon Iyer, crime reporter, Indian Tribune. Look, हम आपकी मदद करना चाहते हैं. Sure. Actually, मुझे जर्नलिस्ट बहुत पसंद है. इनफैक्ट मैं भी एक जर्नलिस्ट ही बनना चाहती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसके लिए किस किस के साथ सोना पड़ेगा। लुक, मुझे पता है कि तुम्हें काफी कुछ पता है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोगों ने सब कुछ नहीं बोला। नहीं, हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस और डीए हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं चाह रहा था कि मैं किसी जर्नलिस्ट को बता सकूं। इसीलिए मैं यहां आई हूं। मुझे सब कुछ बता दो। कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा कोई भी कोई वकील मिल सकता है? एक्सक्यूज मी, वकील? आपको हमारी स्टोरी चाहिए ना? या हमें वकील चाहिए। बट नो लॉयर इज गोइंग टू टच अस। शायद एक लॉयर है। Truth and justice need no caste, creed or nationality. Let truth and justice prevail. Sir, please one question, sir. Truth and justice needs no caste, creed or nationality. Let truth and justice prevail. Sir, I'm ready. I'm almost Anna. Give me a second. Don't you think, Anna? From here, London looks like a disco. But without music, sir. Ladies and gentlemen, the Bar Association proudly presents our guest of honor, attorney at law, Mr. Krishna Pandit. Ladies and gentlemen,
The difference between a lawyer and a computer is a computer gets twice as intelligent and half as expensive compared to a lawyer every year. But still we win cases, like this very critical case against the joint monopoly of the computer lobby. Thank you. Thank you once again. And now for this victory, I would like to thank my entire team who worked day and night to make this possible. Speak right now. Well, I won't take much of your time. Thanks. I'll speak to you. Hi, Jack. How are you? Mr. Krish. Thank you. Please. come on. Let's have a drink. Come on. Mr. Krish, please. Yeah, you want champagne? One question. Yeah, please come here. Yeah, just give it to me. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Krish. I'm really sorry. Krish. Krish. Yeah, Mr. Hi, congratulations, yeah. Mr. Pandit. Krish. Wrong time, wrong place, wrong dress. I'm sorry. Itne logon mein mujhse handsome aur koi nahi mila. Aaj mera sar mat khao. Look around. Do Hindustaniyon ko London police ne giraftar kiya hai. Unhe vakil chahiye. They need our help. We have to protect their rights. Mere gaon mein bhi kafi logon ko police pakadti hai. Gaon chalein. It's sensitive. My reputation is also very sensitive, especially with the people. You have to do it. Why? Because I'm saying that's why. How big is the price of a big night? London's monsoon is very expensive. Krish, you don't understand. The 20 billion pounds stolen, there's an Indian girl behind him, a rocker. This story was told me on the phone. Who? I don't know. I got the story. और स्टोरी फाइल कर दी जिसमें उसके कुछ दोस्तों का नाम छप गया फिर न्यूज़पेपर ने समहाउ ये इंसिडेंट और बोट वाले इंसिडेंट को जोड़ दिया और जिसने मुझे फोन किया था उसने सिर्फ एक नाम बोला रॉकर वो अब मर चुका है मेरी रिपोर्ट की वजह से उसके दोस्त गिरफ्तार हुए कैन यू सी आई एम रिस्पॉन्सिबल इट्स माई मिस्टेक यू हैव टू हेल्प मी एक लॉयर से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए बैड मैनर्स बाय द वे डकी डक आजकल तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है? Not looking hot. लंदन में कहते हैं दोस्त चाहिए तो कुत्ता खरीद लो मुझे खरीदने की जरूरत ही नहीं You're right. मैं हूं ना क्रिश केस तो सुन लो प्लीज टेक द केस फॉर माई सेक प्लीज नो क्रिश नो क्रिश नेवर Truth and justice needs no lobby, no politics. What do you think about the Indian guy's case? What about it? Congratulations, Mr. Krish. They've been boycotted by the boss. If they're boycotted, why are the media so interested? 20 billion pounds per missing. They're linked with Al-Qaeda. Are they terrorists? Media will keep a close watch. We'll talk about that tomorrow. One more question. I didn't live time. Does that mean I get railed every time I... Two major events have occurred in London on Christmas this year. A bank truck was dropped of 20 billion pounds and a major boat blast in a harbor near London last night. The Prime Minister, Tony Blair, has just finished a high security meeting. Police have arrested two Indians, named Sim and Mr. Peepee, after finding a wallet belonging to a man named Rocker near a charred body. A two-second video recording from a camera in the truck is the only clue the police have. Police intelligence indicates Rocker is a primary suspect and his two friends, Peepee and Sim, are currently in custody and being interrogated. Hello, Krish, bol raha. Pata karo, Indians ke case ka judge kon hai? Yeah, I'll see you at the court. Okay. Good night. Hello? Mr. Pandit, I'm from News India. Sachai aur nyay ki koi jaat ya paat nahi hoti.
अगर ये ब्रिटिशर्स होते तो भी मैं इनका केस लड़ता। Don't you think getting these terrorists out on parole is a hindrance to national My security? Clients are not terrorists. My clients are not terrorists. They're innocent. No more question. Let's go. Come on. And I'll get them to the office. I'll be there. Suddenly I'm getting very charged and excited. Acha. काफी inspiring है सिम। Professionally or sexually also? Krish Pandit, you shock me. तुम्हें अब तक कोई नहीं मिली जो तुम्हें खुश रखे? ये प्रॉब्लम नहीं है डकी डक। जब तक इश्क ना करो सब खुश रखती हैं। The problem starts once you fall in love. Let's go to that bookshop. Ansum, just see where you can find a GQ. Ah, here it is. Morning. Ah, looks nice. मैं जब पढ़ता था नॉवल हमेशा पहले पेज से शुरू होता था unless it was in Urdu. This one also. जब मैं नॉवल खरीदती हूँ तो मैं always last page पहले पढ़ती हूँ ताकि नॉवल खत्म होने के पहले मैं मर जाऊँ. At least I know how it ends. Interesting. Thank you. Welcome. Thanks for being here. Oops, sorry. Monsoon, मेरे सिवा I mean मुझसे पहले या मेरे बाद कोई मिला क्यों नहीं तुझे? मिला है. कौन मिला है मेरे सिवा? गुड इनफ. नहीं बताऊंगी. ओ लाला, उन बच्चों की तो इतनी लंबी कहानी लिख दी और खुद की नहीं बताऊंगी. जर्नलिस्ट बालकृष्ण. व्हाट डिड यू से? कम अगेन. बालकृष्ण. नो नो, नहीं. मेरे बाद तुम्हें और कोई नहीं मिला? राधा कृष्ण. बाला. ओके ओके, सॉरी बट ये बालकृष्णन, नो इट डज नॉट वर्क फॉर यू डाकी डाक. बालकृष्णन संस्कृत का टीचर हो सकता है, मंदिर का पुजारी हो सकता है, फैमिली डॉक्टर हो सकता है. आई एम डॉक्टर बालकृष्णन स्पीकिंग. बट ये रामकृष्णन, सॉरी बालकृष्णन, इट डज नॉट वर्क विद यू स्वीटहार्ट. इतना घूर क्यों रही हो? यू नो क्रिश, यू आर सच अ बास्टर्ड. हेलो, चिप और देवा के बारे में कुछ पता चला? ओके, थैंक्स. बस चिप और देवा इनके दोस्त है, दैट्स ऑल. £20 billion की चोरी एक बोट पला जिसमें 30 लोग मारे गए और उसी बोट में मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट के लिए आर्म्स कंसाइनमेंट. अभी आर्म्स कहाँ, पैसे कहाँ और रॉकर कहाँ है? रॉकर इज डेड. इन दोनों ने तुम्हें कुछ बताया? कुछ बोल नहीं रहे, डरे हुए हैं. हो सकता है या बहुत होशियार हैं. हु मास्टरमाइंडेड दिस होल प्लान? सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि रॉकर जिंदा है या मर गया. वो ऑब्वियसली मर चुका है. उस बोट पर कोई जिंदा हो नहीं सकता था. तुमने अपने पार्टनर को मारा या नहीं मारा, ट्रक को लूटा या नहीं लूटा, गिल्टी और इनोसेंट मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन तुम्हारे बचपन से लेकर आज सुबह 9:30 बजे तक जो कुछ भी हुआ है मैं सब सुनना चाहता हूं. वैसे तो हम पांचों अलग अलग थे लेकिन एक चीज कॉमन थी हम में, म्यूजिक. हुस्न अपने आगे पीछे पूरी दुनिया को नचाता है और पैसा सिम को नचाता था. कहीं भी, होटल, रेस्टोरेंट, घर, बार, सड़क, कहीं भी पैसे के लिए कुछ भी.
Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Chip, be the beat. Computer genius. अक्सर ऐसे लोग सीधी जिंदगी नहीं जी पाते, वो भी नहीं जी रहा था. He was a master hacker. दो नंबर के लोगों के लिए नंबर वन. Come on, yeah. With the beat. देवा, nice guy. Never. लेकिन इस कॉम्बिनेशन को कम से कम मैं कभी नहीं जी पाया. रॉकर, माय फ्रेंड. रॉकर को मेरे सिवा कोई नहीं समझ पाया. दिल का बहुत अच्छा था, दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन एक कमजोरी थी उसकी, ब्यूटीफुल कार. हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा जाना. हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा जाना. जाना जाने जा, आ जाना ये समा, जाए ना जाए ना. वो हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा. इंडिया में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, वो इंडिया के बाहर इंडियन आर्टिस्ट की. फिर भी मैं लंदन आया, दिन में पोर्ट्रेट्स बनाता था, रात को रॉकर, देवा, चिप और सिंह के साथ म्यूजिक. सबके जैसे मैं भी अपनी मंजिल की तलाश में. Check this out now. क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता है. ख्वाहिशें आवारा बन के टूट जाए, तारा बन के होता है. क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता माइकल जैक्सन एक छोटा सा काला सा प्यारा 8 साल का बच्चा इतनी छोटी उम्र में अपने गाने कंपोज किया करता था. हाँ, इसीलिए बड़ा होकर इतनी सुंदर औरत बन गया. इसीलिए मैंने 8 साल की उम्र में गाना नहीं चालू किया. बड़ा होकर ऐश्वर्या राय बन जाता. अभी तो नहीं. अरे भाई, तेरी गाड़ी है क्या? तेरी गाड़ी है? मेरी तो नहीं. हाय गाइस, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा गाना. मेरी कुछ मदद करोगे? एक जिंगल बनाना है. क्या? मेरी कंपनी एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाती है,
एक क्लाइंट के लिए नए सॉफ्ट ड्रिंक का लॉन्च करना है जो यहाँ की देसी पॉपुलेशन के लिए टारगेटेड है. योर म्यूजिक हैज द राइट फील जो मुझे चाहिए. करोगे? थैंक्स बट नो थैंक्स. हम इस जिंगल विंगल के बारे में कुछ नहीं. हम लोग जानते ना जिंगल क्या होता है. 6-7 hit single that mingle start a jingle. That's a jingle. Good. हम लोग कर लेंगे ना गाइस. हाँ हर काम का फर्स्ट टाइम तो होता ही है ना. अगर कल सुबह तक कंपोज कर दोगे तो मैं 20,000 पाउंड तक दे सकता हूँ. मगर होना चाहिए एक मास्टरपीस. ये रहा मेरा कार्ड. कॉल मी इन द मॉर्निंग. यही थी हमारी जिंदगी और यही करते थे हम. दिन में अपना अपना काम और रात को म्यूजिक. और फिर उसी रात किसी ने रॉकर को मार दिया. पुलिस के रिकॉर्ड में तुम्हारा वर्जन है, पुलिस का वर्जन है, लेकिन उससे ऊपर एक और वर्जन है, सच्चाई का वर्जन, जो मैंने रिकॉर्ड में नहीं पढ़ा क्योंकि है नहीं. हमने जो कुछ भी कहा है वो सच्चाई का वर्जन है. हमने सच कहा है. सच कहा है लेकिन लेकिन सारा सच नहीं. विवेक अग्निहोत्री. टू हेल विद इट. कम ऑन कोशिश तो करते हैं ना. क्या कोशिश करते हैं. आई एम आउट ऑफ दिस. कल सुबह वो आ जाएंगे या तो नहीं मिलेगा. और अगर मिलेगा तो कहेगा अरे सॉरी गाइस यार मैंने अभी अभी AR रहमान को साइन किया तो बैड लक नेक्स्ट टाइम. या मैं अपने क्रिसमस ईव इस विवेक अग्निहोत्री के चक्कर में बर्बाद नहीं करने वाला. आई एम ऑफ फॉर अ ड्रिंक. यू गाइस वांट टू जॉइन मी. यू आर मोस्ट वेलकम. यस बेयर टाइगर टाइगर. यस अरे रॉकर रॉकर बाय. रॉकर भी ना जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तो चला क्यों जाता है. तुमने ये नोट किया? हां क्या किया. हमेशा गुस्सा. व्हाई. जब जब कोई आदमी छोड़ के चला जाए ना तो उदास नहीं होते. यू जस्ट से नेक्स्ट. चलो. फर्स्ट सम गुड सेक्स एंड देन लेट्स स्टार्ट. अच्छा तो है हमारा जिंगल. और भी है हमारे पास. अरे चुराए गई हमेशा के कुछ ओरिजिनल ही बजाएगा. चुरा कर रहा है ये तो उठा रहा है. अरे यार प्लीज प्लीज. चाइल्ड बर्थ में कितना दर्द होता है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन ये जिंगल कंपोज करना उससे कम नहीं लग रहा है. फॉर गॉड्स सेक स्वीटहार्ट इज द सेम थिंग. दोनों में उतना ही लेबर लगता है. क्यों? आ गया आ गया आ गया आ गया. लिसन लिसन टू दिस. Cool. £20,000.
रिकॉर्ड ओके रेडी टू गो. और इस बटन पे लिखा है 20,000 pounds. ओए कुत्ते लोग चुप. क्या हो रहा है? इतना अच्छा जंगल बना दिया गया हम लोगों ने. जान बजाकर भाग रहे हैं क्योंकि कान नहीं बंद कर सकते. क्या है? इधर क्यों जा रहे हैं? कोई है क्या? अरे बांधो यार इनको. अरे पीपी, ये रियाज करते वक्त क्या कुत्तों को साथ में रखता है? सुर में भोंकते हैं यार. मामूली कुत्ते नहीं है ये. बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया सोने को मिलता है. हमसे भी अच्छी सेक्स लाइफ है इनकी. क्या? हमसे नहीं यार, तुमसे अच्छी. चल. कुत्तों को हुआ क्या था? ऑडिशन दे रहे थे जंगल का. अच्छा नहीं लगा? I thought you love rap. Rap, Virat, not dog crap. काम शुरू करें. Come on, PP, start. कैसे शुरू किया था? मुझे याद नहीं आ रहा. क्या? याद नहीं आ रहा? एचे बताना इसको. एफ शार्प था या सी माइनर? I'm sorry, I can't remember, bro. नोट क्या था यार? कुत्तों के लफड़ों में भूल गया यार. याददाश्त अच्छी ना हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासतौर मेरे साथ, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है. मैं सच को सूंघ लेता हूं. I smell the truth. So the truth, चिप और देवा के बारे में. अगर कल रात वो तुम्हारे साथ है तो अभी क्यों नहीं है? देखो सिर्फ 5 दिन रह गए हैं. 5 दिन के बाद तुम जहां पहुंचोगे वहां मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिक चेयर. थैंक यू. फ्रीडम विल नॉट बी इजी, पर मिल जाएगी. पूरे यूके में मेरे सिवा और कोई लॉयर ये नहीं कर सकता. सो द ट्रुथ अबाउट चिप एंड देवा. मैं बताती हूं. The truth. हम चारों साथ में पुलिस स्टेशन के लिए निकले. ये वही ट्यून है जो हम कल रात को कंपोज कर रहे थे? यस, वही ट्यून है. आई तो वही है यार. देखते कौन है. वो देख, समझ में आया? कुत्ते काली टोपी ब्लैक सूट. Ah!
रुक। एक आदमी आपकी जबरदस्त ट्यून विसल कर रहा था जो रात को 3:15 बजे आपने कंपोज की और अंदाजन उसी वक्त रॉकर मरा। उसके बाद वो आप लोगों को मारने आया और जाहिर उसी वक्त उसने वो जबरदस्त ट्यून भी सुनी होगी। वो ट्यून सुनकर कुत्ते भौंके और वो भागा। वेरी म्यूजिकल। अगली सुबह चलते चलते उसने चिप और देवा को मारा। एक बात मेरी समझ के बाहर है, क्या आप लोगों की जान भी खतरे में थी फिर भी आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? Why? वहां गोली चली थी सर, हमारा एक बंदा मर गया था। ऐसे में आपको पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? भागो जान बचा के। पुलिस का कौन सोचता उधर? मैं डर गया था। चलो आपके फ्रेंड की बात मान लेते कि वो घबरा गए थे। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं आपसे पूछ रहा हूं विराट, आर यू श्योर आप हमारे लॉयर हैं या कोई ब्रिटिश एजेंट? मैं बताता हूं इसने क्यों नहीं बताया। वो रिवॉल्वर इसकी थी। Thank you.
इंसान की जिंदगी में काफी तय होती हैं, लेयर्स, जैसे कि हिचकॉक की फिल्म्स, माय गुरु। मेरी मां कहती थी प्यास की हर तह का अलग स्वाद होता है, और जब हर तह को छीलते हैं तो आंसुओं की तासीर भी बदलती रहती है। तुम रिवॉल्वर क्यों रखती हो? क्योंकि हम पांचों के बीच भी एक था कोई डरपोक, कावर्ड, बास्टर्ड। I love you, baby. मानसून, सवाल ना उसे। Sure. Bastard. Sim. Relax. Just leave me alone. God. Allow me. Do you like cigars? Not anymore. I have breathing problem. Thanks. Yeah, as it is, you can't smoke here. Oh, okay. पीपी, मैं लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी टैक्सी लगता हूं तुझे। अंडरस्टैंड एंड टॉक। मैंने जितने केस जीते हैं तू गिन भी नहीं सकता। हार्डकोर क्रिमिनल्स, साइकोस, कैनिबल्स, सीरियल किलर्स, करप्ट गवर्नमेंट्स, ट्रेड यूनियन, सब। और हर केस के बाद आई बिकम मोस्ट स्मार्ट, स्मार्टर एंड स्मार्टेस्ट। तेरे जैसे कई सौ लोग जो सिर्फ अपने टांगों के पीछे सोचते मिलकर मेरी बराबरी नहीं कर सकते, मुझसे छुप नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते, भाग नहीं सकते। सो डोंट वेस्ट माई टाइम। Tell me, सिम के पास रिवॉल्वर क्यों था? Why? आपके हाथ में सिगार क्यों रहता है? इस जगह पी नहीं सकते लेकिन फिर भी रहता है। रहता है ना, हाथ में रखने से थोड़ा स्टेटस बढ़ता है ना, दिखाने के लिए। ऐसे ही रॉकर ने सिम को रिवॉल्वर दिखाने के लिए दिया था, चलाने के लिए नहीं। रॉकर सिम को लेके इनसिक्योर फील करता था बहुत, और ये लड़की किसी को भी इनसिक्योर फील करा सकती है, किसी को भी। देवा को पता था, मुझे पता था, एवरीथिंग वॉज क्लियर। मैंने रॉकर को समझाने की कोशिश की, मैंने कहा देख यार, इस लड़की के चक्कर में मत पड़, ये लॉन्डी बहुत कुत्ती चीज है, ये तुझे कहां से घुसा के किधर निकालेगी तेरे को खबर भी नहीं होगी। लेकिन नहीं, फैल गया। मैंने कहा यार प्यार अंधा होता है, और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं।
इन ऊपर वाले की दो क्रिएशन है ना, माइंड ब्लोइंग है. सेक्सी गर्ल्स एंड वेरी सेक्सी गर्ल्स. मैं आपको पहले मिल चुका हूं या आपको पहले मिल चुका हूं? फील मी अप बेबी, फील मी अप हनी, मैं तेरी, तू है मेरा. आज वो हो जाएगा, अब तक नहीं जो हुआ. फील मी अप बेबी, फील मी अप हनी, मैं तेरी, तू है मेरा. आज वो हो जाएगा, अब तक नहीं जो हुआ. मगर ख्याल ये रहे जरा, मम्मी को नहीं. कितने होंगे यार, पाउंड्स और आदमी? बड़क तो ऐसे रहते शादी करने वाला है. सोच रहा हूँ शादी कर ही लूँ यार. I like her. She's nice. She's gorgeous. Yeah. शादी करूँगा मैं इससे. अबे जाना टकले. ये तो ऐसे देख रहा है जैसे इससे शादी करने वाला है. छोड़ना इसको. अगर तो ऐसा रहा जैसे ये मुर्ताजा अर्जा है. कहते हैं सभी के बड़ी हार्ट हूँ मैं. Tell you what, टकीला का एक शॉट हूँ मैं. मगर ख्याल ये रहे जरा, मम्मी को नहीं. बस वो साला मनहूस दिन. रॉकर ने सिम को देखा और पता नहीं उसमें क्या देखा. Bloody hell, Sim, aren't you tired of this life? थकने गई तुम इस शिट से? What? I said, ऐसी जिंदगी से तुम थकने गई, आज यहाँ कल वहाँ. No, why? हर रोज कपड़े उतार के लोगों के सामने नाचना बुरा नहीं लगता. हाँ सिम. क्यों? क्या किसी कॉन्वेंट की नन बनाना चाहते हो? उससे भी अच्छा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. Wanna marry you? Oh, nice, nice. Thanks, but no thanks. तुमने गलत लड़के से ये सब कुछ कहा है. I mean, you don't even know me. I don't need to know you. बस इतना पता है कि I love you. क्या ये तीन चम तुम मुझसे नहीं कह सकती? नो, मैं नहीं कह सकती. सैम, सैम, लिसन, सैम, कम हियर. क्या करना होगा तुमसे ये कहलवाने के लिए? मुझे चांद ला दो, कह दूंगी. चांद? मेरा चांद वो नहीं है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स है. जानती हो तुम, मैं बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाला हूँ. I promise. तो मैं बहुत जल्द कह दूँगी. I promise. Yeah, things are hotting up. Nice, very nice. Love story तो अच्छी थी, लेकिन इस love story में ये revolver की mystery मैंने सुनी नहीं या तुमने बताई नहीं. इतनी सर्दी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोला क्या नहीं बोला. ये थोड़ा लाइम जूस की जगह कॉफी होती तो मेरा दिमाग थोड़ा ठीक रहता. चलिए कोई बात नहीं. ऐसा है सर, मुझे इतना ही याद है. व्हाई डोंट यू आस्क हर? आप सिम से क्यों नहीं पूछते हैं? वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं.
उसकी वजह से मैं आज यहां बैठा हूं. वेरी स्पेशल बिच. सिम को चांद चाहिए. द बिच वांट्स द ब्लडी मून. आदमियों को पागल करने की डिग्री ले रखी है. और तुम उसके शर्ट के बटन को घूरकर क्यों देख रहे थे? मुझे एक बात समझ में आ गई है. एक स्लीजी बार डांसर ने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया क्योंकि वो उसके दोस्त को चाहती थी. कौन सा दोस्त? मिस डकी डक. पी पी, तुम्हें पता है वो दोनों क्या कर रहे हैं? दे बिजी प्लेइंग दिस ब्लेम गेम. दे बिजी ब्लेमिंग ईच अदर और हमें बेवकूफ बना रहे हैं. तुम्हें पता है एक जर्नलिस्ट और लॉयर में क्या फर्क है? अ जर्नलिस्ट इज अ ब्लडी इडियट. आई सी. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है वो हमें सिम बताएगी. सिम बताएगी. माय डियर कृष पंडित, तुम सिम के जाल में फंस गए हो. How do you know that? Woman's intuition. मिस्टर पंडित, आप आइए. मैं चेंज करके आती हूँ. गिव मी जस्ट अ मिनट. काफी पुराना न्यूज़पेपर है ये. पुराने न्यूज़पेपर तुम ऐसे ही रखती हो? मुझे पता था कि आप आएंगे. नो नो नो, आई एम जस्ट जोकिंग. हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो रख लेती हूँ. इट्स नाइस, तुम हंसती भी हो. लगता तुम्हें मेरा ऑफिस कुछ ज्यादा पसंद नहीं है. नो नो, आई क्वाइट लाइक इट. पर वो जो मेरे साथ है ना, पीपी, ही इज नॉट नाइस. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी. I'm ready. Yeah. La, 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 la. You love playing games, don't you? Hmm. जब रॉकर मरा था तो तुम्हें कैसा लगा? I loved him. दुख हुआ था मुझे. मुझे नहीं लगता तुम्हें दुख हुआ था. What do you mean? क्योंकि तुम रॉकर से प्यार नहीं करती थी. That's not right. कौन है वो? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? बताओ मुझे. आप किसके बारे में कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता. उस पीपी ने कुछ कहा होगा. रॉकर सिर्फ तुम्हारे अमीर बनने का जरिया था. वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था. बैंक लूट सकता था, किसी को मार सकता था. और तुम्हें ये पता था और इसे भी पता था. कौन है? ये रोशन. ये रोशन गांधी कौन है? I fucking know, sis. रोशन. Michael. रोशन गांधी सिम का. वो कहते हैं ना, फ्रेंड, फिलोसोफर, ब्रोकर, एवरीथिंग. What happened? Roshan! Hey, sweetie, come on! क्या तुम मेरा सारा पैसा पीने में उड़ा दोगे? पीने में उड़ा दोगे? दिखा, पैसा ला, पैसा ला, दिखा दिखा, अरे देना। किस लिए लंदन आए थे? किस लिए आए थे लंदन? ताकि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरी इज्जत करें, ना कि मैं टैक्सी ड्राइवरों के बीच में कपड़े उठा के नाचूं। रॉकर, you okay?
माय बेबी, कैसे हो? अच्छी हूँ। रॉकर, ये रोशन है, मेरा काम देखता है, ओल्ड फ्रेंड। और रोशन, ये रॉकर है, यू नो, हम साथ में म्यूजिक बनाते हैं। रॉकर, मैन इन लॉ। Yeah. I'll see you tomorrow. You go on. Take care. Very pretty girl. Very pretty. Very expensive to maintain. I tell you that. Paisa hai? Paisa aisa hai? Rocker. Cocaine. That's what I do for a living. You want to do that? You want to earn some money? Pretty babe. She's expensive, I'm telling you. ड्रग्स दुनिया में कहीं भी रातों रात अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता। अब रॉकर को भी रातों रात अमीर बनने की खुजली थी और रोशन के लिए उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। ये किस लिए? बस मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। मुझे रॉकर ने वो गन प्रोटेक्शन के लिए दी थी। प्रोटेक्शन? तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत थी? किससे? किसका डर था सिम? रॉकर का या रोशन का? कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो डर लगा रहता है, खासकर सेक्स एंड मनी। और कुछ लोगों के पास दोनों ही चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं। सिम, सिम, I'm crazy. रोशन, अगर कल तक मेरे पैसे नहीं दिए तो तू जाते, जाते। I'm telling you, I'm sick and tired of you, man. I'm going back. रोशन, going back. रोशन, stop it. क्या कर रहे हो ये? Get out of this. Hey, stay away from her. रोशन, क्या कर रहे हो? Don't touch her, damn it. क्या कर रहे हो ये? मैं दूंगी पैसे, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कहाँ से देगी तू पैसे? रोशन, कुछ भी करूंगी लेकिन तुम्हें पैसे दूंगी। मैं ये रिंग बेच दूंगी। देखा? पता रहे ये 50 pounds का। You know how much money he owes me? 50,000 bloody pounds, man! 50,000 pounds! जिंदगी अभी साली थोड़ी सी ट्रैक पे आना शुरू हुई थी, जस्ट। लेकिन तूने सबको एक चुटकी के अंदर कहां से कहां कर दिया रॉकर। Come on, guys. अब ये सब बोलने का क्या फायदा है? What's the point? अब रॉकर को पैसे तो देने ही हैं, और नेचुरली वो लोग हमसे ही पैसे लेंगे। हमसे? अगर कल शाम तक रॉकर ने पैसे नहीं दिए तो वो हम सब के पीछे पड़ जाएंगे। हम सब के, दे नो वी आर ऑल टुगेदर कि हम रॉकर के साथ काम करते हैं। रॉकर के साथ काम करते हैं, इट्स अ फैमिली मैटर। हम लोग शायद रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग कितनी बुरी तरह से फंस गए हैं। क्यों किया यार हमारे साथ ये तूने? उसने मुझे ड्रग्स बेचने के लिए कहा, मैंने मार्केट में ड्रग्स बेच दिए। ऐसे देने वाला था पीपी पर क्या? पर बैग खो गया। बैग खो गया? 50,000 pounds से भरा हुआ बैग खो गया? वेयर? आई डोंट नो पीपी, आई डोंट नो। क्रैप, कम ऑन यार पीपी, उनसे गलती नहीं हो सकती क्या? हाँ, आई एम ह्यूमन यार।
What? What the hell are you looking like this at me for, yeah? अरे तेरी तो हजारों गलतियां माफ है रॉकर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गलती तू नहीं, कोई और कर रहा है, समझा कुछ? किसकी बात कर रहा तू? तू जानता है क्या कह रहा हूँ मैं? क्या कह रहा तू? सिम की बात कर रहा ना? चिल, हाँ? चिल, shit, इसे प्यार करता हूँ यही गलती है ना? इसके लिए पैसे कमाना चाहता हूँ यही गलती है ना? इसको खर्च चाहिए यही गलती है ना? Hey, come on, then to hell with you, freaking hell with you. ऐसे हालात में सही क्या है और गलत क्या है वो बाद में देखा जाता है, दोस्ती पहले। दोस्ती तो अच्छी नहीं भाई तुम लोगों ने। वैसे ये रोशन गांधी किसके लिए काम करता था? आप तो बात बात में कह देते हो कि मैं कितना स्मार्ट हूं, स्मार्टेस्ट, तो आप अंदाजा लगाइए। अंदाजा तो लगा लिया बेटे। But I need to be sure. तुमने ये काम अगर ठीक से कर दिया तो पैसे तो हम छोड़ ही देंगे, तुम लोगों को और काम भी मिलेगा। आपको शक्ल से क्रिमिनल लगते हैं क्या ब्रदर? हम लोग हम ये काम रॉकर के लिए कर रहे हैं। रॉकर के लिए? ना ना, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉकर इसके लिए कुछ भी कर सकता है और ये तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। दुबई का एक ज्वेलर है अब्बास, जो पूरे मिडल ईस्ट में गन सप्लाई करता है। तुम्हें उससे एक बैग लाना है। हम क्यों? क्योंकि 9/11 के बाद CIA ने अब्बास पर कड़ी नजर रखी हुई है। वो किसको मिलता है, कौन उसे मिलता है, हम तो अब्बास तक पहुंच नहीं सकते और तुम लोगों पे कोई शक नहीं करेगा। दैट्स व्हाई। बैग में क्या है? हथियार, 20 बिलियन पाउंड के हथियार। सौदा कब होना है, कहाँ होना है, पैसा कहाँ से आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए और वो सब इन्फॉर्मेशन उस बैग में है। और अगर हम लोग ये काम करने से मना कर दें तो? तो फिर ना तो 50,000 pounds हमारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम है और ना ही तुम पांचों की जिंदगी। अबे ओ, तेरे इस मोटो को समझा देना कि हम पांचों की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है और तू भी इस गलतफहमी में मत रहना, काम हो जाएगा। I've got a ton of jobs and no people. Give me a job then. My mom always wanted me to be a policeman. Cop? Have I seen you somewhere before? I have. He gets arrested every year on the same day. For what? 15th August?
इंडिपेंडेंस डे दारू पी के बकिंगम पैलेस में मुतने की आदत है इसको. चार पक्के दोस्त एक मुट्ठी जैसे हैं, बीच में एक मुसीबत यानी एक लड़की. आई मीन सिम. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. हाँ हाँ, पैसे तो मुझे ही चाहिए थे ना, ये सब तो दूध के धुले हैं. अरे I salute you, my mother. Now, the situation we were in. एक बैग है हमारे पास, एक अजीब सा एड्रेस है, माफिया हमारे पीछे है, लंदन का माफिया. और इस माफिया को कौन चला रहा है? You must be knowing it. इस माफियों को यहां के करप्ट पुलिस ऑफिसर्स चला रहे हैं और हरामजादों की बंदूकें हमारे अंदर हैं. What do we do? We didn't have choice. हमने कहा ठीक है और हम काम पे निकल पड़े. Listen. ओ भाई लोगो, ओ मेरे भाई लोगो, ये बंदूकें जो तुम्हारे हाथ में हैं, ये डराने के लिए, चलाने के लिए नहीं. ओके? क्या हुआ, इतना हंस क्यों रहा है? उस जोक पे जो तूने अब तक सुनाया नहीं है. Oh no. You're gone. You want some ketchup on it? Chutney bachi, kya kare? Yeah. All right, we'll go home and make supper. Come on. Shit. Come on. Shit. Come on, let's go. Baby. Deva. Chip. Rocker. Careful, he's coming. Seen Bambi? Huh? Rocker! Think about it. Rocker! अब्बास जैसे स्मगलर्स को लंदन की पुलिस प्रोटेक्शन देती है. एक स्मगलर, आर्म्स डीलर, टेररिस्ट के साथ जिसके लिंक्स हो, उसे पुलिस वाले प्रोटेक्ट करते हैं? सच जानना चाहती थी ना आप,
ये है सच। और वो बैग कैसे मिला? अब्बास को वो लोग निकाल के ले गए तो बैग का सवाल ही नहीं, बैग तो चला गया उनके साथ। और उन दोनों ने क्या कहा? फैट्स और रोशन। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि सब किसने किया है, और दूसरी तरफ फैट्सो हमारे पीछे था। हम लोग जिंगल बनाने के लिए वेयर हाउस गए और उसी रात रॉकर को मार दिया गया, और अगली सुबह चुप और देवा को भी। We were lucky. हम बच गए, मर जाते तो अच्छा था। I understand. लेकिन फिर क्या हुआ? इसके बाद भी बताने के लिए कुछ बचता है क्या? अच्छा, हम निकलते हैं। You know, PP, मेरे दादा एक पुलिस अफसर थे। काम से घर जब लौटते थे तो अक्सर मुझे क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानियां सुनाते थे, और उन्हीं कहानियों ने मेरी जिंदगी पर मोहर लगा दी, क्योंकि वो सोची और बनाई भी नहीं थी, सच थी, रियल। खून का एक छींटा, एक बाल, एक फिंगरप्रिंट कुड सॉल्व अ क्राइम। I was fascinated. क्या क्या कहूं मैं समझा नहीं। तुम इसलिए नहीं समझ रहे हो पीपी, क्योंकि जितने ध्यान से मैं तुम्हारी कहानियां सुन रहा हूं, तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपकी बात पर ध्यान दे रहा हूं, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि इन बातों का मुझसे क्या वास्ता है। वास्ता है पीपी, है वास्ता। मैंने ये केस क्यों लिया, इसकी एक खास वजह है। अपने कैरियर में पहली बार यह तय करना मुश्किल हो गया है कि सच क्या है और क्या हुआ था। 20 बिलियन पाउंड, 20 बिलियन पाउंड बहुत बड़ी रकम है पीपी, और तुम सब बहुत छोटे। तुम्हारी कहानियां कमजोर, मुझे शक है तुम बेगुनाह हो। यकीन नहीं है। And I don't like it. I just don't like it. Then it won't be professional. It will be personal. Remember that. आपका पर्सनल मामला हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है। क्रिश बोल रहा हूं। क्रिश, हिल्टन होटल के अंडरग्राउंड पार्किंग में सिक्योरिटी कैमरास हैं। वहां ना कोई मरा ना किसी अब्बास को पुलिस बचाने आई थी। क्या बात कर रहा है? Sure? एक क्लब है अल जोरो, उसके मालिक का नाम है बिलाल। लंदन में पुलिस टैक्सी सर्विस नेटवर्क वही चलाता है। तुम उनके लॉयर हो, सब कुछ इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? Is something wrong? You're not yourself. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ यही तो पता करना है स्वीटहार्ट। Let me tell you a little secret. You know, ducky duck, आजकल ऐसे बड़े शहरों में जीने के लिए किसी को जान से मारने से ज्यादा जान से मारना आना बहुत जरूरी है।
का। तुझे बिलाल का नाम पता किसने दिया? सर्जन जॉर्ज और टोनी। कुछ याद आया? उस दिन कार में अब्बास भी था, मुझे उसका पता चाहिए। हमारी मुल्क में हर तीसरा कोई अब्बास ही है। किस अब्बास की बात कर रहे हो मियां तुम? अब्बास जो आखिरी बार हिल्टन प्लाजा में रुका हुआ था, अब्बास जो लंदन में सिर्फ तेरी दीवी पुलिस टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करता, मैं उस अब्बास की बात कर रहा हूं। तो पुलिस? बैठो मियां। Relax, take it easy. ऐसा है मियां कि पिछले 6 महीनों से हमारी वो पुलिस टैक्सी सर्विस बंद है। बीच दोपहर कुछ लड़कों ने हमारी एक गाड़ी को आग लगा दी। किसने हरकत की पता नहीं, लेकिन जो 2 पुलिस वाले मरे वो मेरे आदमी थे। अब्बास कभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो हुआ वो गलत था। अगर पैसों के लिए मारा तो बेवकूफी की, और अगर दुश्मनी थी तो मारने वाले जाबाज थे, क्योंकि बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए उसके बंदों को मारने के लिए। उसके बंदे? किसके बंदे? तू किसके लिए काम करता है बिलाल? मेरी नमाज का वक्त हो गया मियां, और बिलाल झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, उसका पता किसी को नहीं, लेकिन हम सब काम उसी के वास्ते करते हैं। हो सकता है तू भी। वैसे इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि जो केस में लड़ रहा हूं वो तुम्हारी और तुम्हारे, जिसके साये से तुम डरते हो, उसकी नींद हराम करने वाला है। ये मेरा कार्ड है, मुझे फोन जरूर करना, और अगर मुझे पता चला कि तुझे पता था और तूने मुझे नहीं बताया, तो ईरान से अफगानिस्तान तक तो किसी भी गुफा में छुपा होगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। अब अगर तुम सच भी बोलोगे तो मुझे शक होता रहेगा। पीपी, इस कार को किसने आग लगाई थी? How long to the airport, Tony? How long? That will take you faster than Mecca. Guys, go! Open the door! Open the door! Open the goddamn door! Open the door! Come on! Open it! Come on! Open the door! Bag is your hand handcuffed. I'll fire and tell you. Fire! Chocolate.
कुल मिला के बात इतनी है कि अब मैं चाहे जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, मेरी जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू रॉकर, थैंक यू सिम, थैंक यू एवरीबॉडी। क्या शक्लें बना रखी है यार। अरे किस बात का मातम है, जो मर गए उनके लिए या जो मरने वाले हैं उनके लिए? अब कौन मरने वाला है? अभी सेंगल से सिर्फ तुम्हारी शक्ल दिखाई दे रही है बीबी। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिनों के लिए हम बाहर नहीं निकलेंगे। अरे कभी तो निकलेंगे ना, तब धर ली जाएंगे। खाली एक बैग लाने की बात ही हीरो बन गए। होली नहीं खेली थी क्या बहुत दिनों से? पुलिस वालों को मार दिया यार। कैच शिट। माफिया का एक रूल होता है, पुलिस वालों को नहीं मारते। पता है क्यों? कमीने होते हैं साले, मरने के बाद भूत बनकर पीछा करते हैं। ए देवा, तेरा पीछा तो वो जरूर करेंगे। अरे तो उन सालों को भी मार दूंगा मैं। सब मिले हुए हैं, सबको मार देना चाहिए। Everybody. Singing in the rain. Baby, you look so fine. Come on over to me. Let me look at you, look at you, look at you. Girl, your body be hot. Girl, let's see what you got. Girl, shake your heat on the block. Bend down and blow the spot. Do it. Girl, your body be hot. Girl, let me see what you got. Girl, shake your heat on the block. Bend down and blow the spot. Pika pika sa, ye December hai. Ye December ka sard pani hai. Tez dhadkan hai, garm saanse hai. Bheegi bheegi si kahani hai. Bheega bheega sa, ye December hai. Ye December ka sard pani hai. Tez dhadkan hai, garm saanse hai. Bheegi bheegi si kahani hai. Bheega bheega sa, ye December hai. Time to get down now, baby. Girl, I see your body and I see your face. Know you styling when I'm in the place. Make me Arnie and me Art Teresa. Turn me on when you're wearing lace. Why you move and shake your body? Looking at me like you want your naughty. Move your curves to the youngster party. Sweet chocolate destiny, let's start it. बजा रहा हूं, तुझे क्या लगता है? और इस बार जो भी होगा मेरे तरीके से होगा, माय वे। शांत शांत गदाधारी भीम,
मोटे की जान लेगा क्या? लो आगे तेरे मोटे। ओए मल्टीकलर, क्विक। मुझे जवाब चाहिए अबे, वरना पुलिस वालों को ना ये मोटा मिलेगा ना तू। टेक इट इजी मैन, मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो गया। बकवास मत कर, तुझे नहीं पता था कि सात पुलिस वाले थे? नहीं, फैट्सो को ये काम किसी ने दिया था। किसने? किसने दिया था? वो किसी को नहीं मालूम। ए रोशन, हमने ये सब रॉकर के लिए किया है, तुझ पे भरोसा करके। अब तुझे हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। Help us, you piece of shit. अब सिर्फ एक ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? वो जिसके लिए सब काम करते हैं। वो वही वही कौन कौन है वो? ऐसा नहीं लगता कि टीवी पे कोई गेम शो चल रहा है। जो भी सवाल का सही जवाब देगा उसे 1 करोड़ इनाम और 2 चॉकलेट के डब्बे बोनस में मुफ्त। सवाल है, वो कौन है? उम्मीद से दुगना। तो रोशन, कौन है यार? मुझे पता चला है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है तो मिल लेते हैं। पर वो मिलेगा कहाँ? हम उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो खुद ही करेगा जब तुम सबका वक्त आएगा। नाइन्टी के शुरू की बात है, 91 एक अफवाह उड़ी थी। ग्रेट ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर का रशियन सीक्रेट सर्विस से इन्वॉल्वमेंट सिर्फ अफवाह थी। वो केजीबी का एजेंट है, जस्ट यूमा, बट दैट वाज द बज इन ग्रेट ब्रिटेन। और आज वो जेल में है। ये कैसे हुआ? ऐसे। नाउ गेस, ये पहली किसने सॉल्व की? हु? यू ऑब्वियसली। मुझे पता है इस तरह केस आप क्यों लेते हैं, ताकि अखबार में आपका नाम आए, मैगजीन से फोटो छपे, इतिहास के पन्ने पे कहीं नाम दर्ज हो जाए। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है पंडित जी। आपको पता है अमेरिका को जब कहा गया कि उस पर उसामा बिन लादेन हमला कर सकता है, तो अमेरिका का रिएक्शन क्या था? कौन उसामा? अच्छा, वो जो अफगानिस्तान में गुफाओं में रहता है और गधे की सवारी करता है। गधे की सवारी करता है, आज सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसामा बिन लादेन ने जो किया, उसामा बिन लादेन ने ही किया था, उससे किसी ने करवाया नहीं था, उसके पीछे और कोई नहीं था। Stop kidding me. तुम ओसामा बिन लादेन की गानी अपनी गानी से जोड़ रहे हो? Come on. Stop kidding me. कभी इस हमले के बारे में गौर से सोचा है? प्राइड ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 110 माले की बिल्डिंग पलक झपकते ही ग्राउंड जीरो हो गई। अलकायदा, LTT, PLO, किसका किससे क्या कनेक्शन है? इस पहेली को आप कितना भी सुलझाने की कोशिश करो, एक छोटा सा टुकड़ा, एक लिंक नहीं मिलता है। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा गायब है। वही नहीं, सवाल यह है कि वो आदमी कौन है? वो आदमी फंकेम।
पेरिस चलते हैं, बाजू में ही है, छुट्टी भी हो जाएगी और देवा को लड़की भी मिल सकती है, फ्रेंच किस कर लेगा वो, आपको भी मिल सकती है पीपी। गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम रोशमन दस्तूरवाला। मेरे बॉस ने आप सबके लिए एक खास प्रपोजल भेजा है। आप सबको एक काम को अंजाम देना है, काम सिर्फ एक दिन का है, वन जॉब, पर खतरा काफी है। आप में से सब जिंदा बच पाएंगे इसकी उम्मीद नहीं है, पर जो बच जाएंगे उनके पास 5 करोड़ पाउंड होंगे, 50 मिलियन पाउंड्स, बाकी की जिंदगी जीने के लिए। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप हो कौन, हम आपसे बात भी क्यों कर रहे हैं? बात क्योंकि तुम मेरे बॉस के लिए पहले ही कुछ कर चुके हो। अब्बास से जो बैग आप लोगों ने लूटा था वो मेरे बॉस का था। और फैत्सो? फैत्सो को कुछ पता है ना था। मेरे बॉस के लिए ना कोई बहुत ज्यादा टाइम तक काम करता है और ना उन्हें पता होता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, जिसका अपना हो ही नहीं। वो धोखा किससे खाएगा? और हम? क्योंकि तुम्हें पता नहीं था वो बैग किसका है, इसलिए अब तक जिंदा हो, और अब वो नुकसान तुमको पूरा तो करना ही पड़ेगा। कौन है तुम्हारा बॉस, मतलब उसका कोई नाम तो होगा? ये सब फिजूल की बातें हैं मिस्टर प्रकाश कृष्ण, आई मीन पीपी। आप में सिमरन चोपड़ा ही हैं। न्यू दिल्ली में मेरे कुछ पॉलिटिशियन दोस्त आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आप सबको अपने ऑफिस ले जाने आया हूं टू डिस्कस सम सीरियस बिजनेस। अब्बास, उसके बॉडीगार्ड्स और 2 पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर के जिम्मेदार आप सब हैं, जिस वजह से इंटरपोल बहुत सतर्क हो गई है और हमारा एक जरूरी ऑपरेशन मुश्किल में पड़ गया है। बुलशिट, बकवास कर रहे हो तुम। ये बहुत बड़ा सेटअप है मिस्टर रॉकर, आपकी सोच और समझ से कहीं परे। पुलिस और कई देश के गवर्नमेंट्स इससे जुड़ी हुई हैं। आप सब संगीतकार हो, एक अच्छा फ्यूचर है सबका। Why spoil it? Why? मेरा बॉस चाहे तो आप सब कभी अरेस्ट नहीं होंगे, और अगर वो चाहे तो आप ठीक आधे घंटे के बाद जिंदा भी नहीं होंगे। रोशन? नहीं, देखो, मैंने कुछ नहीं किया। I told that fellow, don't bloody do anything. I haven't done anything yet. I haven't done anything. ये लाइव पिक्चर्स हैं हमारी खुद की सैटेलाइट से। बोला? कौन बोला? चिप साहब की गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में इन्होंने आप सबको भी नहीं बताया। हम सब जानना चाहते हैं कि आपका बॉस कौन है। वो अपना परिचय नहीं देना चाहते। अब बहुत तमाशा हो गया मिस्टर रोशमन। ओके, हम सब बिना जाने कि किसके लिए काम कर रहे हैं कोई काम नहीं करेंगे। यू गेट इट? कौन है तुम्हारा बॉस? मेरे बॉस हैं मिस्टर मुर्तजा अर्जाई। कौन है ये मुर्तजा अर्जाई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने उनकी कहानियां नहीं सुनी। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो किस्से अफसाने आपने मुर्तजा अर्जाई के सुने हैं वो ज्यादातर सच हैं। किस मुर्तजा अर्जाई की बात कर रहे हैं आप? उसी की
जो मुर्तजा अर्जाई है. बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स. There's no Murtaza Arzai. ये Murtaza Arzai वर्जा एक कहानी है अमित. मुझे तो लगता है एक सेटअप है. इंटरपोल या प्रोबेबली सीबीआई इंडिया. सीबीआई? सीबीआई हमारे पीछे क्यों? क्योंकि हम सबका एक पास्ट है जिससे हम भाग तो सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते. एक दिन तो ये होना ही था. He's right. जब अपने ही दोस्त गद्दार हैं तो ये तो होना ही था. क्या मतलब? मतलब कि हो सकता है कि वो लड़की ही सीबीआई एजेंट है. हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसका बॉस है. हो सकता है कि तुम ही आस्तीन के सांप हो. ये भी हो सकता है कि तुम ही मुर्तजा अर्जाई हो. हो सकता है. हाँ कि ना? मेरी गर्लफ्रेंड है वो. एंड आई रियली लव हर. सीबीआई इंटरपोल. सीधी सादी लड़की है वो. कंप्यूटर स्टोर में काम करती है. सेल्स गर्ल है. आई ट्रस्ट यू. इतनी सी बात थी तो तूने छुपा क्यों? लिसन गाइस, तुम्हारी तरह मैं I'm not so lucky in love. हर वो चीज जिससे मैंने प्यार किया, किसी के साथ शेयर करने की कोशिश की, वो सब मुझसे छीन ली गई. नजर लग गई है उसको. Gone, just like that. अगर मैंने तुम लोगों को पौला के बारे में नहीं बताया तो मैंने पौला को भी तुम लोगों के बारे में नहीं बताया. Guys, तुम सब मेरे लिए बहुत प्यारे हो यार. और मैं किसी को खोना नहीं चाहता. Damn, I think I'm gonna cry. It's not about trust. It's about love. Anyway, तुम लोग क्या समझोगे? Jokes. Jokes. लेकिन ये मुर्तजा अर्जाई क्या बोला है यार? मुर्तजा अर्जाई. मुर्तजा अर्जाई. मुर्तजा अर्जाई. अगर अकलमंद होने के लिए बालों की जरूरत होती पीपी तो तू गंजा होता. कुछ और सोचता. कहीं तू खुद मुर्तजा अर्जाई तो नहीं है? या ये तुम क्या कहती हो मिस सेक्सी लेग्स? आर यू मुर्तजा अर्जाई? इतनी जोर से मत हंसो पंडित जी. इस हंसी की गूंज अगर वहां तक पहुंच गई तो फिर नहीं हंसो. वो हर जगह पे है. वो सब देख सकता है, सुन सकता है. यकीन बेशक सच ना हो पर काम जरूर आता है. क्या है कहानी तुम्हारे इस मुर्तजा अर्जाई की? मुर्तजा अर्जाई एक ऐसा सच है जिसके बारे में तो लोग जानते हैं लेकिन कोई उससे मिला हो, उसे देखा हो, वो कहां रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता. लेकिन हम मिले, हम रोशोमन से मिले. उससे मिलने के बाद एक बात हमारे समझ में आ गई. यहां पर शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी मुर्तजा अर्जाई के लिए काम नहीं किया हो. वो यहां की पुलिस हो या माफिया हो. और कब आप उसके लिए काम कर रहे हो ये खुद आपको भी पता नहीं चलता. यह है मुर्तजा अर्जाई की ताकत, उसकी पहुंच.
ये किस्सा जो मैंने सुना है ये उन दिनों का है जब वो अफगानिस्तान में था। तालिबानियों का एक गिरोह उसकी ताकत को हथियाना चाहता था। वो चाहते थे कि मुर्तजा करजाई उनके लिए काम करे। वो उसे घर पर पहुंचे, घर पर उसके बीवी बच्चे अकेले थे और वो उसके लौटने का इंतजार करने लगे। और जब वो लौटा उसने एक नज़र अपने सहमे हुए बीवी बच्चों पर डाली। वो समझ गया कि तालिबानियों का इरादा क्या है और फिर उसने वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उसने खुद अपने हाथों से एक एक करके अपने बीवी बच्चों को मार डाला। सिर्फ एक तालिबानी को उसने जिंदा छोड़ा ताकि वो जाके बता सके कि मुर्तजा करजाई क्या चीज है। उसके बाद वो पूरे गिरोह के पीछे गया। उसने उनके माँ बाप को मारा, उनके दोस्तों को मारा, उनके बीवी बच्चों को मारा। उसके एक पल में वो कहाँ गायब हो गया? आज तक किसी को कुछ नहीं पता। शैतान की भी सबसे बड़ी चाल यही है, वो सामने नहीं आता। उसने दुनिया को ये यकीन दिला दिया है कि वो है नहीं। He doesn't exist. मॉनसून। ये मुर्तजा अरजाई के बारे में सुना तुमने? पता नहीं, शायद नाम सुना हुआ लगता है। शायद पुलिस स्टेशन में या पब्स और बार्स में। वेरी हाफ बेक्ड, जैसे कि कोई किसी के लिए काम कर रहा था और वो भी किसी और के लिए जिसको मुर्तजा से पैसा मिलता था। यू नो दैट काइंड ऑफ शिट। नेम ड्रॉपिंग। अगर इनकी बातों में थोड़ा सा भी सच है तो समझ लो कि मेरे हाथ एक सोने की खान लग गई है। गोल्ड माइन। गोल्ड माइन। हाँ, मुझे पता था कि आप मुझे एक दिन घर पे जरूर बुलाएंगे। रियली? मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? अच्छी लग सकती अगर तुम मुझे सब सच सच बता दो तो। I'm 21, 36, 26, 36. इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? Again you're playing games, huh? एक बात पूछो। आपने इससे पहले कभी किसी मुजरिम के साथ सारी रात बिताई है? सिम, तुम मुजरिम नहीं हो। तुम्हें मुर्तजा अरजाई के बारे में और क्या पता है? Do you like chocolates? मैं तुमसे मुर्तजा अरजाई के बारे में पूछ रहा हूं। पीपी झूठ बोल रहा है। आप उससे मिलोगे तो पूछना चॉकलेट क्या है। What is chocolate? मैंने तुमसे एक बात कही थी ना बीबी, तुम वाकई ध्यान से नहीं सुनते। Didn't I tell you about that one thing? Why don't you understand? अगर तुमने मुझसे एक भी झूठ बोला या कुछ भी छुपाया तो सिर्फ तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। What about chocolate? ये चॉकलेट क्या है? Tell me, baby. Yeah.
ये चॉकलेट क्या है? चॉकलेट, चॉकलेट। Your job is called Operation Chocolate. मेरे बॉस का बिजनेस मेनली ड्रग्स का है। इराक वॉर के बाद मिडल ईस्ट में हथियार और असले की मांग काफी बढ़ गई थी। हमारा एक रशियन एजेंट है जो 20 बिलियन पाउंड के हथियार ला चुका है और बोट हार्बर में खड़ी है। अगर बोट हार्बर में खड़ी है तो मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि कल तक हमें पैसा चाहिए और अब क्योंकि अब्बास नहीं है ये कल तक मुमकिन नहीं है। खासकर तुम सब की वजह से अब हमारा पूरा पुलिस नेटवर्क टूट गया है। ये तो मुश्किल है यार, मेरे बैंक में पैसे नहीं, वरना मैं दे देता। क्यों, कहाँ गए पैसे? बाल कटाने गया था ना। मेरे बॉस को मुश्किलें ज्यादा देर तक इसलिए परेशान नहीं करती क्योंकि वो उनका हल निकाल लेते हैं। अब बाहर से पैसा आ नहीं सकता तो पैसा अंदर से लाना पड़ेगा। ब्रिटिश रॉयल बैंक क्रिसमस शॉपिंग के लिए 20 बिलियन पाउंड लंदन ट्रांसफर कर रहा है। एटीएम के लिए कैश, तुम्हें उस ट्रक से पैसा निकालना है। उस ट्रक की सिक्योरिटी के लिए जमीन पर आर्मी और हवा में हेलीकॉप्टर्स होंगे। और हाँ, ट्रक पूरी तरह लेजर मेश्ड है। ट्रक से कैश निकालने के बाद तुम्हें वो हार्बर ईस्ट में बोट पर डिलीवर करना है। इस काम के लिए तुम्हें 50 मिलियन पाउंड मिलेंगे और तुम सबकी जिंदगी। रश्मन जी, आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? एक काम करते हैं ना, ट्रक लूट कर कैश बोट पे पहुंचा के हम आपको एसएमएस कर देंगे। मिस्टर रोशमन, आपको लगता है हम ये काम करेंगे? ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। बट व्हाई ऑपरेशन चॉकलेट? ओ, इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग में हथियार और असले को चॉकलेट्स कहते हैं। Chocolate. It's confusing. Roshan, Fatso, Roshamon, or up Operation Chocolate. You're on soon. तुम शादी कर लो। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? You know, cute wife, kids, dogs, the works. अरे सोचा था मैंने शादी के बारे में, एक लड़की भी थी, बहुत प्यार भी करता था मैं उससे। दो साल उसके आगे पीछे भी रहा, लेकिन बाद में पता चला कि हम दोनों की लाइकिंग एक ही है। हम दोनों को लड़कियां पसंद थी। ये पांचों भी बुरे नहीं है मिस्टर पंडित, पर फंसे बहुत बुरे। 50 मिलियन पाउंड सामने हो तो लालच आ ही जाता है। 10 मिलियन मेरे और 10 मिलियन रॉक के, हो गए 20 मिलियन। 80 करोड़, गॉट, टैक्स फ्री। पैसे के नशे में ये भी भूल गए हो कि हम सब लोग मौत के मुंह के अंदर जा रहे हैं। बहुत लूटा गोरों ने हमें, अब हमारा चांस है। मुझे ये चांस ही लेना है। अगर मुझे मरना होता तो मैं फौज में भर्ती होकर गोली खा लेता, लेकिन यहां नहीं। मैं म्यूजिक की वजह से लड़ने आया था, बस। सॉरी गाइस, I'm out of this. I'm out.
पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है, और इतना पैसा जब आपके सामने हो तो फैसला करने में दिक्कत नहीं होती, बिकॉज इट्स सिंपल। किसी ने रॉकर को कुछ नहीं बोला क्योंकि सबके दिमाग में वो पैसा घूम रहा था, 10 मिलियन पाउंड्स। 10 मिलियन पाउंड्स, उसका क्या क्या करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, एंड वॉट नॉट। Now, चिप ने पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया एग्जैक्टली जैसा बैंक सिक्योरिटी का था। देवा ने कम्युनिकेशन सेटअप किया और वाईफाई कंप्यूटर नेटवर्किंग भी। हम सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर से डायरेक्टली लिंक्ड थे। सिम टनल के अंदर थी कार में द पिकअप गर्ल। यस Yes, I'm at my position. What's up, man? Everything looks good. You can rob this baby. Man, it's so boring watching this model. Well, Vane. I'm a genius.
मैंने फिंगरप्रिंट्स और सिक्योरिटी कार्ड्स फोर्ज किए, इट वाज फुल प्रूफ। और रॉकर एग्जॉस्ट आउटलेट पर बैंक ट्रक का वेट कर रहा था। डॉक्टर वेट, डॉक्टर अभी नहीं, डॉक्टर नाउ। I can't see a thing. Yeah, the concrete, no worries. Lock it up, guard. कार्ड निकालो, वापस इंसर्ट कर। या चिप लूजिंग टाइम फास्टर फास्टर चिप लूजिंग टाइम फास्टर इजी रॉकर इजी इजी गॉट इट यस ओके नाउ प्रेस व्हाट नेक्स्ट 1 7 8 4 6 3 मैं दबा रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ओके रुक जा, हैंग ऑन, कुछ नहीं हो रहा बेबी, रुक जा। इट्स नॉट पॉसिबल। कर रहा हूं, कर रहा हूं, एडिट ब्रदर, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। गो अगेन। यस, वाओ, दैट्स ग्रेट। आई टोल्ड यू मेरी फोर्जरी कभी गलत नहीं हो सकती, यू फूल्स। You take over now. It looks fine to me. Rocker kahan hai? Ye wo camera hai jo security wale dekh rahe hain. Aur ye hamara camera hai. Left. Who the bloody hell can rob this van? Yeah, right, man. Aage. Rocker. Left. I can't take this. Rocker, anymore. Be careful, baby. Down, lie down. Lie down. Hey, did you see something? Relax, man, relax. There's nothing. I mean it. Easy. Yeah. Okay. Pee-pee, what's happening? Can someone tell me, please? It's beeping now. Yeah. Cool. Red, blue, right? Yeah. Together, boy. Damn chip, there's nothing. I'm losing. You fools, you have messed with my life. Docker card. Card ko badal. Okay, blue on the left, red on the right. Okay. Hoga, just hang on. I think I saw something. Did you see that? Seems fine to me. We're running out of time, damn it. Did you find something? Yes, sir. Damn, cheat, there's nothing. I'm losing. Women can fake orgasm. Why the hell can't they fake silence? What the hell? Yeah? Got you. It's working.
We've done it. Guys, we've done it. Yes! Yes! नहीं बेटा, काम अब शुरू हुआ है। Open that truck. There's nothing in the truck, sir. Where the hell is the money? इतना सारा पैसा, तुम सब भाग भी तो सकते थे। It was a lot of money, BB. जाना सबने खाली हाथ ही है। ये पैसा किसी के साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। रोशन फैट्सो का हाल हम देख चुके थे। उस पैसे को लेके कहां जाते हम, कहां तक भागते और कहां छिपते। वो पैसा मुर्तजा अर्जाई का था। मुर्तजा हार जाए। रिश, can you please come here? इंडिया से सबकी डिटेल्स आ गई है। 80 पेजेस का फैक्स है। आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली अबाउट रॉक। मुझे पहले दिन से शक था, पर मेरा शक ठीक निकला। किसी का खून नहीं हुआ। मैंने पता किया और मेरे इन्फॉर्मर ने बताया कि चिप और देवा इस ग्रेवयार्ड में नहीं मरे थे। तेरे पास सिर्फ और सवाल है कहां। को जानते हो आप? मैडोना को जानते हैं? नो। विंसेंट? विंसेंट, 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 नो। लोबो? लोबो, नो। इवन रॉकर? नो। इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? मुस्तफा 1997 कराची कार एक्सप्लोजन में मरा, बॉडी पूरी तरह जल गई। 1999 विंसन बेरूत में मरा, उसके घर को आग लगा दी गई, उसकी बॉडी भी जलकर राख हो गई। लोबो 2002 पेरिस में मरा, चर्च में शूट आउट, फिर आग लगी, उसकी बॉडी भी फिर जलकर राख हो गई। नाउ 2004 लंदन रॉकडाइज, बॉडी फिर जलकर राख हो गई। माय डियर पीपी,
ये मुस्तफा विंसन लोगो रॉकर सब एक है। रॉकर इज मुर्तजा अर्जाए। रॉक बैंड बनाने का आइडिया किसका था? रॉकर। क्यों क्यों? क्योंकि हम सब म्यूजिशियंस हैं। नहीं, क्योंकि तुम सब अपने अपने हुनर में माहिर हो, वो हुनर जो ऐसे क्राइम्स करने के लिए बहुत जरूरी है। और तुम सब इतने कंगाल थे कि तुम सब की चेप फड़ भी जाए तो सिलने की कोई जरूरत नहीं है। रॉकर जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, और तुम चारों से अच्छा और कौन हो सकता है? सिम द सेक्सी हुका, चिप द कंप्यूटर जीनियस, और देवा एक्स इंडियन आर्मी जिसने फौज इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे यूनिफॉर्म बोरिंग लगती थी, और पीपी द फौजा जो झूठ को सच साबित करता है। Am I right? इस सबसे कैसे प्रूव होता है कि रॉकर मुर्तजा आरजाई था? ड्रग्स बेचने का आइडिया किसका था? रोशन का। और अब्बास से बैग चुराने का? फैट्सू। और उन दो पुलिस वालों को मारने का? वो चिप और देवा की गलती थी। पुलिस वालों को मारने का आइडिया वाइडिया जैसी कोई चीज नहीं थी। It was a mistake. वाह, बस कोई शरीफ था, वो था रॉकर। रॉकर एक्स इंडियन कस्टम ऑफिसर जो पिछले 9 साल से लापता है। गायब। आप गलती कर रहे हैं पंडित साहब। रॉकर ना तुम्हारा दोस्त था ना है, वो जिंदा है, इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। ये पूरे ड्रामे को रचाने वाला रॉकर है। रॉकर इस सब के पीछे नहीं है। रॉकर मुर्तजा अर्जाई नहीं है। मैं कृष्ण पंडित हूं। आई एम कृष्ण पंडित, अंडरस्टैंड? तुम्हें बेल और बरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि तुम बेगुनाह हो, पर इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा वकील हूं। नाउ रॉकर, क्या है सच रॉकर का? रॉकर इज डेड। जैसे चिप और देवा मरे थे, उस सुबह ग्रेवयार्ड में कोई नहीं मरा था पीपी। चिप और देवा कैसे मरे? क्या हुआ था? चिप और देवा ग्रेवयार्ड में नहीं मरे थे पीपी। Are you listening? मेरे तीनों दोस्त उस बोट पे। क्या हुआ था? बोट पर क्या हुआ था? कमाल है यार, इस साल एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो खुशी से मरना चाहता था। कौन कौन कह रहा है? वो आदमी कह रहा है। वो कौन? एक डेड बॉडी है। कोई मुर्तजा अर्जाई वर्जाई नहीं है, एक कहानी है डराने के लिए। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कौन देख रहा है रॉकर? हो क्या रहा है नीचे? Who is dead? बोट में एक डेड बॉडी है बीबी, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेसन, मैं पैसे लेकर अंदर जा रहा हूं, सिम यही रुकेगी, चिप और देवा मेरा पीछा करेंगे। Baby, stay in the car, clear? It's all very clear.
इतना साफ कि एक अंधा भी सब कुछ साफ साफ देख सकता है, पर तुम नहीं। तो रॉकर पैसे लेकर बोट पर अकेला गया। क्लेवर, वेरी क्लेवर। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम बेबी। फिर क्या हुआ? रॉकर ध्यान से प्लीज, टेक केयर। आई लव यू रॉकर। मुझे बहुत डर लग रहा है। लव स्टोरी खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। रॉकर एक गाड़ी है, करीब पांच छह लोग उतर। अहलन वस्तहलन या हबीबी। शुक्रिया जैन तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान रहमान रहीम। टाइम टू रॉक एंड रोल रॉकर। दुनिया में हर साल 12 लाख बेगुनाह लोग मरते हैं। इन सालों को तो चुन चुन के मानना चाहिए। तुम मारता बहुत है। अहलेन बस अहलेन, कैसा है अभी भी? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही? हेलो, रुको रुको सिम, मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे किसी की आवाज सुनाई। शुक्रबारक जैन तमाम। अहलेन वसहलेन या हबीबी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान। Don't shoot. यार आप भी यही हैं। मुझ को बोलूंगा व्हाट द हेल। होट पे हम सही हैं। माल तो है, हा? निकले ऐसे। हाँ?
फिनेनार वसक्र, मैंने खुद देखा है उसको। जिंदा है तो भाग जा, कूद जा, वो मुर्तजा अर्जाई है। वो भी यही है। कौन? हो चलो यहाँ से, देवा इज ऑल्सो डेड। जब तक मुझे आर्म्स नहीं मिलते मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। बोर्ड पर हथियार नहीं है रॉकर, हम रोशनबोर्ड को पैसे दे देंगे। मैं किसी को भी इतने आसानी से पैसे नहीं देने वाला। This is all a freaking setup. A bloody setup. नहीं, नहीं, वो हमें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मुर्तजा अरज़ाई। मुर्तजा अरज़ाई। ये है मुर्तजा अरज़ाई। मैं हूँ मुर्तजा अरज़ाई। I am freaking Mortaza Arzai! I am freaking Mortaza Arzai! I am fucking Mortaza Arzai! Yes. Yes. I was right. Rocker is Mortaza Arzai. मैंने कहा था ना पीपी? Rocker is Mortaza Arzai. Come on, Sim. Tell me. आगे क्या हुआ? Come on. I am Murtaza Arzai. मैं हूँ Murtaza Arzai. I am freaking Murtaza Arzai. आगे क्या हुआ? उसके बाद मैं बेहोश हो गई. And something hit me. And I fainted. You fainted. पीपी तुम तो होश में थे. तुमने तो देखा होगा. मैंने देखा. क्या देखा? मैंने रॉकर को अपनी आंखों के सामने गोली लगते हुए देखा. तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा दोस्त था पीपी। तुम उसकी उसकी मदद कर सकते थे। You could have got him help time. मैं डर गया था, मेरा रिवॉल्वर वाला हाथ उठ नहीं पाया। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा था और तुम्हारा हाथ उठ नहीं पाया। कुछ शैतान मेरे सामने खड़ा था मुर्तजा अरज़ाई।
डोंट कंफ्यूज मी, कंफ्यूज मत करो मुझे। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर था, तुमने तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? मेरा निशाना अगर चूक जाता तो मैं उन दो घंटों में मैंने अपनी तमाम ताकत और तजुर्बा दोनों दांव पे लगा दिया, पीपी और सिम के लिए, रॉकर चिप और देवा के लिए। मुझे लगा ये बेकसूर है, खुद विक्टिम है इस सिस्टम के, वो सिस्टम जो डर से चलता है, मुर्तजा अर्जा जैसे लोगों के डर से, और मुझे हर हाल में जीतना था। The transcript of this head testimony will be sealed. And all matters incriminating to Mr. P.P. and Ms. Sim will be rendered inadmissible. ये आपके लिए है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। This is the card. Thanks, P.P. Excuse me, spare me some pennies, sir. If you could, young man. Hey, I know you. You're the famous lawyer, aren't you? Yeah. That's you here. Yeah. You're a fine man. Yeah, good man. Yeah, yeah, yeah. Good man. Yeah, nice, you're man. A good That's man. Me. Bye, bye, bye. Bye, bye. रिवॉल्वर इसकी ऐसे ही रॉकर ने सिंह को रिवॉल्वर दिखाने के लिए दिया था, चलाने के लिए दिया प्रोटेक्शन के लिए। रोशन मेरा काम देखता है, काम देखता है। हमने सब रॉकर के लिए किया है। शिट नो
No. I don't believe this. I just don't believe this. Vivek Agnihotri, Roshan Gandhi, Abbas, Fatso, सब मेरी ही मैगजीन से पढ़कर नाम सोचे हैं. सब झूठ और नकली हैं. They do not exist. सब एक सफेद झूठ. रोशमन शिट, बस एक फिल्म का नाम है, वो बोट. उसमें ना कोई गया ना कोई मरा. हर साय एक पॉप सिंगर, मुर्तजा एक लेखक. दो अलग नाम. मुर्तजा अरजाई है ही नहीं. ही डज नॉट एग्जिस्ट. पर ट्रक रॉबरी हुई थी. द ओनली ट्रूथ, सिर्फ एक सच छुपाने के लिए, बाकी सब झूठ. शैतान की भी सबसे बड़ी चाल यही है, वो सामने नहीं आता. उसने दुनिया को ये यकीन दिला दिया है कि वो है नहीं. चीज को अपनी आंखों से ना देखने का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि दिल और दिमाग उसे सच मान लेता है. कभी कभी हार और जीत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. एंड दैट्स लाइफ माय फ्रेंड, दैट्स लाइफ. I just want to have coffee with you. Coffee? Yeah. तुम्हें फोन कितने बजे किया था मैंने? 12 बजे. 12 बजे? हाँ 12 बजे. मुझे ख्याल है कि तुम बहुत सुंदर हो. बस यही कहना चाहता था. You're really beautiful. Come on, let's go. Come. Come.
Chocolate, chocolate.